स्टीव जॉब्स से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक क्या चीज नहीं देते, तो स्टीव जॉब ने जवाब दिया कि हम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक आईपैड नहीं देते। आईपैड किस कंपनी का है? एप्पल का। और एप्पल का मालिक कौन था? स्टीव जॉब्स। नाज़रीन, स्टीव जॉब्स का यह कहना है कि हम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक आईपैड नहीं देते। बिल गेट्स से यह पूछा गया कि आप अपने बच्चों को 15 साल की उम्र तक क्या चीज नहीं देते, तो नाज़रीन बिल गेट्स का यह जवाब था कि हम अपने बच्चों को 15 साल की उम्र तक इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखते हैं, मतलब के लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन से दूर रखते हैं। नाज़रीन, टिकटॉक का जो मालिक है वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को अलाउ नहीं करता कि वो टिकटॉक इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हम तो इन चीज़ों पर लग गए, लेकिन जिसने ये चीज़ बनाई वो ये कहता है कि ये चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में, हर जगह पर, पूरी दुनिया में आप ये देख सकते हैं कि जब 5 साल का बच्चा रोता है तो पहले उसके मुंह में चूसनी दी जाती थी, लेकिन अब उसके हाथ में मोबाइल फोन दिया जाता है उसको चुप करवाने के लिए। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो 2007 के बाद से लोग परेशान ज्यादा रहने लगे। नाज़रीन, 2007 के बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन बहुत आम हो गया। हर किसी के पास आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन आने लगा और इंटरनेट आने लगा। नाज़रीन, उसके बाद लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई। जब आप इंटरनेट पर किसी चीज को देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप भी ये चीज हासिल कर लें। जब आपका दिल करता है चीज हासिल करने का, तो आप घर में लड़ाई करते हैं। आप घर वालों के सामने जाकर अपनी फरमाइशें रख देते हैं कि मुझे तो ये चीज चाहिए। आपका बचपना होता है, आपको समझ नहीं आती, आपकी वजह से पूरे घर में टेंशन आ जाती है, आपके माँ बाप को डिप्रेशन हो जाता है और आप अलग से डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेट पर आप जो भी चीजें देखते हैं वो आपके ऊपर नजरअंदाज होती हैं। हमारा दौर ठीक था, सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे तो पेंटियम 2 कंप्यूटर होता था, उस पर बैठकर नीड फॉर स्पीड 1 घंटे के लिए खेलते थे। उसके बाद कारी साहब आ जाते थे, स्पारा पढ़ाते थे, उनके बाद ट्विटर आ जाता था, तालीम देता था, पढ़ाता था। उसके बाद जब ट्विटर जाता था तो हम बाहर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलकर वापस आते थे, रात का खाना खाते थे और सो जाते थे। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल लाइफ। ये जो आजकल के बच्चे हैं, इनको क्या पता हमारी जिंदगी कितनी मज़ेदार थी। शुक्रिया।